अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम माय यूट्यूब चैनल किचन विद सोनिया। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी पोटैटो कटलेट्स की रेसिपी। इंग्रेडिएंट्स में आलू मैंने लिए हैं 1 किलो, इनको बॉईल करके मैश कर लिया है। 2 अदर अंडे लेंगे हम, धनिया हसबे सिरप, 1 प्याज लिया है इसको ब्रिक चॉप कर लिया है, 4 टीस्पून कॉर्नफ्लोर है, 1 अदद गाजर है इसको ब्रिक चॉप कर लिया है, 1 कप ब्रेड क्रम्स है, 3 से 4 अदद हरी मिर्च है इसको ब्रिक कटिंग कर लिया है, कुकिंग ऑयल लेंगे हम हसबे सिरप। मसालों में हम लेंगे लाल मिर्च का पाउडर, नमक, काली मिर्च। आलू है हमारे पास 1 किलो, इसके अंदर हम गाजर शामिल कर देंगे। गाजर मैंने 1 अदद ली थी इसको ब्रिक चॉप कर लिए। इसके अलावा प्याज लेंगे हम 1 अदद, इसको ब्रिक चॉप कर लिए, वो भी हम इसमें शामिल कर देंगे। धनिया हमारे पास हसबे सिरप, हम इसमें धनिया शामिल करेंगे। हरी मिर्च है हमारे पास 3 से 4 अदद, इसको ब्रीफली कटिंग कर लिया था, ये भी हम इसमें शामिल कर देंगे। 4 टीस्पून कॉर्नफ्लोर है, ये भी हम इसमें शामिल कर देंगे। मसालों में 1/2 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर है, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर है, 1/2 टीस्पून उस पर हम नमक शामिल करेंगे। मसाले आप अपने टेस्ट के मुताबिक ज़्यादा या कम कर सकते हैं। इन सब मसालों को हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। इंग्रेडिएंट्स हमारे अच्छी तरह मिक्स हो गए हैं। अब हाथों में थोड़ा सा हम कुकिंग ऑयल लगाएंगे और इसको शेप देंगे। आप कटलेट्स को कोई भी शेप दे सकते हैं, मैंने कटलेट्स की ये शेप दी है। इसी तरह के हम सारी शेप्स तैयार कर लेंगे कटलेट्स की। कटलेट्स हमारे सारे तैयार हो गए हैं, अब इनको हम साइड पे कर देंगे। 1 प्लेट में मैंने ब्रेड क्रम्स डाली है, 1 प्लेट में हम 2 अंडे डालेंगे। एक चुटकी इसमें काली मिर्च शामिल करेंगे, 1 चुटकी नमक डालेंगे, इनको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अब हम एक हाथ से इसको अंडे के अंदर डिप कर लेंगे कटलेट्स को अच्छी तरह, और इसके बाद इस पे ब्रेड क्रम से कोट कर लेंगे। अब दोबारा हम इसको अंडे के अंदर डिप करेंगे एक बार और ब्रेड क्रम इस पे अच्छी तरह लगा देंगे। इसी तरह से हम सारे अपने कटलेट्स हैं अंडे और ब्रेड क्रम्स के अंदर डिप कर लेंगे। कटलेट सारे हमारे तैयार हो गया, अब इनको हम फ्राई कर लेंगे। अब एक कढ़ाई लेंगे, उसमें कुकिंग ऑयल शामिल कर देंगे, ऑयल को गर्म होने देंगे। ऑयल हमारा अच्छी तरह गर्म हो गया, अब इसमें हम कटलेट शामिल कर देंगे। उतने कटलेट कढ़ाई में आप डालिएगा जितने आसानी से फ्राई हो जाए। गैस मेरा मीडियम स्लो है, मीडियम स्लो फ्लेम में हम इसको फ्राई करेंगे। 1 मिनट के लिए हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, इसके बाद हम इसको चम्मच के साथ हलाएंगे। 1 मिनट हो गया, अब इनकी हम साइड चेंज कर लेंगे ताकि ये चारों साइड से गोल्डन कलर आ जाए। कटलेट्स हमारे तैयार हो गए हैं, चारों साइड से गोल्डन कलर आ गया है। अब इनको मैं निकाल लूंगी और इसी तरह जो बाकी हमारे कटलेट्स है वो भी मैं फ्राई कर लूंगी और फिर आपको डिश आउट करके दिखाऊंगी। मजेदार से पोटैटो कटलेट्स हमारे तैयार है, अब मैं आपको एक टेस्ट करके दिखाऊंगी। ये देखिए कितने मजे से और क्रिस्पी से हमारे कटलेट्स तैयार हुए हैं, आप लोग भी इसको जरूर ट्राई कीजिएगा। मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इंशाल्लाह जल्द मिलूंगी आपसे एक न्यू रेसिपी के साथ। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह।